कहा जाता है जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। पर्यावरण की रक्षा से धरती है और इस धरती से हम सब हैं। लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति के विनाश से पशु पक्षियों, मछलियों और अन्य जलीय जीवों सभी के लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस खतरे को रोका नहीं गया तो एक दिन मनुष्य को पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और संयुक्त राष्ट्र का 14वां SDG गोल भी जलीय जीवों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। साथ ही महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग से है। महासागर वैश्विक प्रणालियों को संचालित करता है जो इस धरती को मानव जाति के लिए रहने योग्य बनाते हैं। हमारा वर्षा जल, पीने का पानी, मौसम, जलवायु, समुद्र तट, हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा और यहाँ तक कि हवा में जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वे सभी अंततः समुद्र द्वारा प्रदान और संचालित होते हैं। 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्री और तटीय जैव विविधता पर निर्भर हैं। हालांकि आज हम दुनिया के 30% मछली के शेयरों को देख रहे हैं जो उच्च स्तर से नीचे पहुंच रहे हैं। जिस स्तर पर वे टिकाऊ पैदावार कर सकते हैं, महासागरों में मनुष्यों द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30% समाहित होता है। और जबकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से समुद्र के अम्लीकरण में 26% की बढ़त देख रहे हैं। वहीं प्रदूषण का स्तर ऐसा है कि समुद्र के हर एक वर्ग किलोमीटर पर औसतन 13,000 प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। भारत की 1/3 से अधिक यानी 35% जनसंख्या समुद्र की विशाल तट रेखा पर रहती है। और विचार करने की बात यह है कि इसमें से करीब आधे तटीय भूखंड का कटाव हो रहा है। समुद्र तट पर स्थित भारत के 3,651 गाँव में 10 लाख से अधिक लोग समुद्र से मछली पकड़ने के रोजगार में लगे हैं। वास्तव में भारत जल के वैश्विक स्रोतों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। पूरी दुनिया में भारत में पानी का सर्वाधिक इस्तेमाल करीब 13% होता है। भारत के बाद चीन 12% और अमेरिका 9% का स्थान है। लेकिन आज पानी का उपभोग बढ़ता जा रहा है और देश पानी के अभाव की समस्या से जूझ रहे हैं। देश तीनों ओर से समुद्रों से घिरा है, इसलिए जलीय जैव विविधता को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए समुद्री संरक्षित इलाकों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अच्छी तरह से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अधिक परिष्करण, समुद्री प्रदूषण और समुद्र के अम्लीकरण को कम करने के लिए नियमों को लागू करने की आवश्यकता है, तभी हम SDG के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से संरक्षण और समुद्र आधारित संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने से हमारे महासागरों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने की मदद मिलेगी।